पंजाब भर में राजसी रंजिश के चलते कातिलाना हमलों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस कड़ी में अब एक और मामला अमृतसर जिले से सामने आया है, जहां अटारी हलके के गांव पंडोरी वड़ैच में अकाली सरपंच और उसके भाइयों पर कांग्रेसी नेता ने 15 से 20 बदमाशों के साथ मिलकर कातिलाना हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेसी नेता ने तेज धार हथियारों से अकाली परिवार को घायल करने के बाद उन पर तेजाब भी फेंका। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद कांग्रेसी नेता द्वारा में इलाज करवा रहे अकाली परिवार पर एक बार फिर हमला करवाने की नाकाम कोशिश की गई। वहीं घटना के बाद सीनियर अकाली नेता और पूर्व मंत्री गुलजार सिंह रणी के घायल अकाली परिवार को मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कैप्टन सरकार की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि अगर बदले की राजनीति बंद ना की गई तो अकाली दल संघर्ष का रास्ता चुनेगा। दुकान मेरे चाचा जी पंडोरी अड्डे ते लाडी मेरा चाचा जी का बेटा वह तो मैं बैठे हाँ, तो जिहड़ा लखे सरपंच का भतीजा ही सुखा उन्हें फोन किया, फोन करके तो गालां कढ़नियां चालू कर दित्तियां। जदों उन्हें इन्हें लाडी ने मेरे अगों गालां कढ़ियां, आता कि तेरी मेरी तेरा मेरा वंड विहार की आ। वो आंदा नहीं तेरे नाल वेखना जी तरसेम सिंह डीसी साढ़े नाल आ, वो आंदा जी इन्हां नूं वढ दिओ ते फिर मेरे को आयो, तो तुहाडा इन्हां दा बन्न कख नहीं दिंदा, तो इन्हां दे परचे करावांगे ठोक के। ये जिहड़े अकालियां दे चमचे बने फिरदे आ, इन्हां नूं जाज दस्सांगे जिहड़े इन्हां नूं 10 साल राज कीता। रिकॉर्डिंग साढ़े कोल आ, जिहदे विच ये साफ इन्हें कहा लखे दे भतीजे ने कि सानूं डीसी वालों इख्तियार आ कि इन्हां नूं वढ के ते फिर मेरे को आए। जदों इन्हें गालां गूलां कढ़ियां मिलके फिर ये दुकान ते आया। हुण तों पहलां आपां चौंकी इंचार्ज नूं फोन कीता रणधीर सिंह होणां नूं, उन्होंने आपां आखिया कि सर इदां सानूं गालां कढ़ियां ने ते नाले ओह दुकान ते लगे आउणां दे कि तुहाडे गल पैणा तुहानूं वढना आए। ये विड़ के 15 to 20 बंदे जिहड़े ये दो गड्डियां ही ते नाल मोटरसाइकलां ते लैस होए ने, इन्होंने हथियार फड़े, किसे को दातर सी, किसे को तलवार सी, किसे को बेसबॉल जिहड़े हुंदे ने उह, किसे को सोटा सी, एडा एडा मोटा सोटा इन्हां फड़िया हथ च, ते उहने आण के ते पहलों इन्हां नूं फड़िया। आपां विड़ के इक जणे ने मगरों तेजाब लिआंदा, तेजाब पाया उह लाडी दे ते लाडी दे छोटे भरा दे पिया, विड़ के छडाउंदा छडाउंदा ही इन्हां ते जिहड़ा तेजाब बचिया सी उह सारा इन्हां दे विक्के दे उत्ते डुल्लिया। वो उतों विर के जरा दुध लैन आया मुंडा, वो बेचारा गरीब बेचारा बेच रगड़िया गया, वो तेजाब वो भी पिया। विर के सारी जो कार्रवाई हुई है वो चौंकी इंचार्ज के सामने हुई, सगो एक मुलाजम के भी पैर से जरा तेजाब पिया। बहुत माड़ी घटना जी कल पंडोरी अड्डे वापरी है, वो तो सुनी तो उन्होंने बयान भी लाए ने कि सरकार बनदिया आदियां जा एक रूटीन बनी है, लोगों ने बना कमां कारा लोगों को सुख आराम देनी, लोगों की सेवा करनी है। पर यह पहली बार एक तो होया कि उल्टा काम जिहड़ा वो विकास वाले पासे ते ध्यान नहीं, होर गल्लां ले ध्यान नहीं जिहड़ियां लोकां दीआं लोड़ां ने, हुण उह ऐ करदे कि जो मतलब हलकाए होंदे ने वी एक दूजे दे गल पै जाओ। जिस तरह इन्हां दस्सिया वी इन्हां दी दुकान ते आण के इह बैठा ही, पहलां वी मैनूं एक दो वार इन्हां दस्सिया वी मैनूं धमकाउंदे मां करदा मां नहीं हुंदियां हुंदियां गल्लां, पर जो कुछ राती इन्हां ने दस्सण डिया कीता वी रात जा वी इन्हां दे दिंदे सारा बाहवां वी टुट्टियां पईआं। इस करके मैं समझता कि गुंडागर्दी का राज है, कांग्रेस को चाहिए अपने कैप्टन साहब को भी चाहिए कि इन्हों नत्थ पाउण, नहीं तो पंजाब के हालात दिनों दिन कितना ना कि रोज़ कई तरह घटनावां जिहड़ियां वापरदियां नवी नहीं गई। पहला साडे सरपंच इत्थे टारी हलके जी मारिया गया, वो भी पार्टी का शिकार होया, जो होर कई थाई हुई गल्लां। पंडोरी वड़ैच कल मिटी 12/7/17 वक्त करीब 8:45 झगड़ा होया दो धिर पंडोरी अड्डे ते। झगड़े बारे पता लगा तुरंत मैं पुलिस पार्टी लैके उत्थे पहुँच गया सी, ते झगड़े दौरान जिहड़ियां दोनों धिरां एक दूसरे नूं एक पासिओं जिहड़ी सरवण सिंह लाडी पार्टी है उन्हां दे 3 बंदे फट्टड़ होए, जिहड़ा दूसरी धिर आ अपने बिक्रमजीत सिंह बिक्का पार्टी जिहड़ी है उन्हां दे 2 बंदे जिहड़े आ जख्मी होए आ। बाकी जिहड़ा जो दोनों धिरां दे बयान असीं हासिल कर ले आ, FIR दर्ज कर दित्ती है जी, ते तस्दीक तफ्तीश कीती जा रही है। सारे दोषियां दे विच्चों करीब 5 बंदे जिहड़े 3 एक पार्टी दे 2 एक पार्टी दे इलाज काफ़ी गंभीर ने, इलाज लिए गुरु नानक देव अस्पताल दाखिल है, उन्होंने निगरानी लाई असी। बाकी दोषी जिहड़े असी उन्होंने फड़न लई रेड किए जा रहे हैं।